मैंने वहां क्या अडानी के गेस्ट हाउस पे हम बैठे थे, एक स्टेट का गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री वालों का काम ही नहीं होता। तो वही तो लोग कह रहे हैं कि उनका क्या काम था वहां पर, नहीं था। हाँ, मैंने उसके बारे में कहा कि ये देखो कभी कभी हम हमारे काम में इतने बिजी रहते हैं। महाराष्ट्र में सियासत खूब गर्म रहती है, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी और सरकार बन जाने के बाद भी। लेकिन अब ऐसा हुआ है जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र में फिर कुछ उलट पलट हो सकता है। अब इसमें एंट्री हो गई हर एक बड़े नेता की, यहां तक कि राहुल गांधी की भी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को है, बहुत कम वक्त बाकी है, लेकिन ऐसे में एक बड़ा खेल चल रहा है। चुनाव से पहले अडानी को लेकर सियासत गर्मा गई है, दलों के प्रमुख नेताओं के बीच बयानबाजियां तेज हो गई हैं। विवाद अजित पवार के एक बयान पर उठा। दरअसल उन्होंने दावा किया कि अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात दिल्ली में अडानी की मौजूदगी में हुई थी। इसके बाद महाविकास अघाड़ी ने मौके को लपका और बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी को सफाई देनी पड़ी और अजित पवार अपने बयान से पलट गए। अजित पवार ने कहा कि गौतम अडानी ने 5 साल पहले बीजेपी और अविभाजित एनसीपी के बीच राजनीतिक बातचीत करवाई थी। वो उस दौर का जिक्र कर रहे थे जो 2019 में देवेंद्र फडणवीस को सीएम और खुद को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी की अल्पकालिक सरकार बनाने से ठीक पहले हुई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार सब वहां थे। ये बैठक दिल्ली में एक कारोबारी के घर पर हुई। मतलब अजित पवार ने दावा किया कि गौतम अडानी ने शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात करवाकर दोनों को एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की डीलिंग करवाई थी। अजित ने कहा, सब कुछ तय हो गया था लेकिन दोष उनके ऊपर थोपा जा रहा है। नहीं, मीटिंग में नहीं थे, गेस्ट हाउस अलग अलग, ये मीटिंग अलग अलग एरिया में होती है। जैसे यहाँ हम बैठे, कोई देवगिरी में होती है, कोई सागर में होती है, कोई वर्षा में होती है, कोई और अलग होटल में होती है, कोई और दूसरी जगह होती है, गेस्ट हाउस में होती है, ऐसे अलग अलग जगह। मैंने वहां क्या अडानी के गेस्ट हाउस पे हम बैठे थे, एक स्टेट का गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री वालों का काम ही नहीं होता। मैंने उसके बारे में कहा कि ये देखो कभी कभी हम हमारे काम में इतने बिजी रहते हैं। स्मिता जी, अभी सुबह 2 इंटरव्यू दिए, अपना तीसरा है, चौथा है, हमारा आगे का भी अभी 5 जगह मीटिंग के लिए जाना, ये है वो है, उसमें गलती से कुछ मैं बोल स्टेटमेंट हुआ, मेरे गलती से हुआ होगा। हाँ। मैं आदमी हूँ, आदमी से ही गलती होती है, स्लिप ऑफ द टंग था या आप पर दबाव डाला गया है? बिल्कुल, ये देखो स्मिता जी, आप महाराष्ट्र में पूछो अजित पवार किसी के दबाव के सुनता है क्या? मैं किसी के दबाव के ऊपर नहीं सुनता, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे किसी के दबाव का कोई कारण नहीं है। मेरा, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी ने मेरा बिगाड़ा नहीं, तो भी मैं बिल्कुल नहीं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी अब इसमें एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ है। सरकार गिराने के लिए अडानी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा, सरकार गिराने के लिए बीजेपी की ओर से राजनीतिक बैठकें की गई। इस बैठक में उद्यमी गौतम अडानी बैठे थे, वो इस बैठक में क्या कर रहे थे? अडानी धारावी में जगह चाहते थे जिससे उन्हें 1,00,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हो। उनके लिए ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराई गई। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अडानी जी बैठे थे। अडानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने अडानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। कहीं नहीं लिखा संविधान में, कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जमीन छीनी जानी चाहिए। हम जमीन अधिकरण बिल लाए आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं
और फिर 24 घंटा इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नवंबर 2019 में नई दिल्ली में बीजेपी एनसीपी की बैठक हुई थी। इस बैठक में कारोबारी गौतम अडानी मौजूद नहीं थे, लेकिन शरद पवार मौजूद थे। उन्होंने शरद पवार पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बैठक हुई थी लेकिन ये अडानी के आवास पर नहीं थी और ना ही वो मौजूद थे। मेरे अलावा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार शामिल थे। सरकार के गठन, विभागों के आवंटन और संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति पर मैराथन चर्चा हुई। योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी मुझे और अजित पवार को दी गई। जब योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में थी तो शरद पवार चुपचाप सीन से हट गए। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि पवार इस तरह से पीछे हटेंगे। अडानी के घर बैठक को लेकर सियासत होने पर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, बैठक अडानी के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई थी। अडानी ने डिनर की मेजबानी की थी लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में भाग नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा, उनके अलावा अडानी, अमित शाह और अजित पवार भी मौजूद थे। ये बैठक अजित पवार के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुबह सुबह शपथ लेने से पहले हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। सरकार बनी जो मुश्किल से 80 घंटे चली। उन्होंने कहा, एनसीपी के कई नेता जांच एजेंसियों का सामना कर रहे थे। उन्हें कहा गया कि अगर वो बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो मामले खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पवार ने कहा कि उन्होंने पीछे हट गए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि बीजेपी अपना वादा निभाएगी। राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। कश्मीर से लेकर केरल और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक बेमेल विचारधाराओं के मिलन से ही सरकारें बनी हैं। सरकार के बनने टूटने से इतर जब कोई पार्टी टूटती है तब वो आवाज ज्यादा दूर तक जाती है। यही बार बार महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। सरकार बनाने के लिए जब पावरफुल पवार फैमिली की एनसीपी में पहले फूट और फिर टूट हुई तो यह घटनाक्रम सबसे बड़ी सियासी खबर बन गया। महाराष्ट्र चुनाव में हर नेता दूसरे पर दबाव बनाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा, जब वो पहली बार बीजेपी के साथ गए तब साहब यानी शरद पवार को सब कुछ पता था, जिसके चलते चुनाव में अजित पवार का यह बयान आया तो खुद शरद पवार ने सफाई दी। अब महाराष्ट्र में पवार बनाम पावर है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति हो या महाघाड़ी, उनके नेताओं में सबसे कमजोर चेहरा फिलहाल अजित पवार है। लेकिन सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली खबरें उन्हीं के पास से आती हैं। बारामती में पीएम मोदी को प्रचार के लिए आमंत्रित ना करना हो या मुंबई में पीएम मोदी की रैली से अजित पवार और उनकी पार्टी के नेताओं का दूर रहना, सब कुछ एक स्क्रिप्टेड रणनीति दिख रही थी। अजित पवार चाचा शरद पवार पर भी हमलावर हैं। अपने खिलाफ कैंडिडेट उतारने से अजित पवार से इतने खफा हैं कि उन्होंने सियासी लड़ाई में शरद पवार पर रिश्ते ना निभाने का आरोप जड़ा। अजित पवार ने कहा था कि उनकी मां ने शरद पवार से बारामती में कैंडिडेट ना उतारने को कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने परिवार के जिस सदस्य को मेरे खिलाफ खड़ा किया, जबकि वो बारामती में नहीं रहना चाहता है। ऐसे में शरद पवार के इंटरव्यू के हवाले से आई इस खबर से ऐसा लग रहा है कि जूनियर पवार और सीनियर पवार के बीच भी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है, क्योंकि अडानी हाउस में भतीजे के साथ मौजूदगी का पूरा खुलासा होने के बाद उन्हें इंटरव्यू देकर भतीजे की बात को काउंटर करना पड़ा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मुलाकात के दौरान एनसीपी के तमाम नेता केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर थे, उन्हें जबरदस्ती ऑफर दिया गया लेकिन वो इसलिए पीछे हट गए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि बीजेपी अपना वादा निभाएगी। लेकिन अब इन सब के बीच में महाराष्ट्र की जो सियासी फिजा है वो गर्म हवाएं दे रही है और इन सब के बीच में 20 तारीख को चुनाव होना है। देखना दिलचस्प होगा कि ये सभी राजनीतिक खेल के दौरान महाराष्ट्र की जनता फैसला क्या लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।